गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। क्लास 11 में जो पिछला वीडियो था साइनोबैक्टीरिया की कोशिकीय संरचना, तो उम्मीद है कि वो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइनोबैक्टीरिया में पोषण। देखिए, जितने भी संसार में जीवधारी हैं सभी को पोषण की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से साइनोबैक्टीरिया को भी पोषण की आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि साइनोबैक्टीरिया पोषण करता कैसे है, तो हम यही जानेंगे आज कि साइनोबैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक छोटा सा टॉपिक है ये केवल। साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल ए की सहायता से, ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल ए क्योंकि क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, जो आपने अभी तक हाई स्कूल में नहीं पढ़े हैं वो हम आपको आगे जब प्रकाश संश्लेषण वगैरह बताया जाएगा तो उसमें आपको कई प्रकार के क्लोरोफिल बताए जाएंगे। तो तब तक हम केवल यहाँ पर ये जान लेते हैं कि क्लोरोफिल ए होता है। तो साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल ए की सहायता से जल व CO2 की क्रिया द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है। मतलब जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो क्लोरोफिल ए की सहायता से जल और CO2 की क्रिया द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से भोजन निर्माण करना ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस प्रकार से जो भोजन निर्माण होता है वो ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखिए, आपको केवल ये याद नहीं रखना है बल्कि केवल ये रिएक्शन याद रखनी है, क्योंकि अगर ये रिएक्शन याद है आपको तो आप आराम से ये पूरा लिख लेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है वो क्लोरोफिल ए की सहायता से, साइनोबैक्टीरिया है वो क्लोरोफिल ए की सहायता से जल व CO2 की क्रिया द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल ए की सहायता से जल व CO2 की क्रिया द्वारा, या कह सकते हैं CO2 व जल की क्रिया द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार का जो भोजन निर्माण होता है वो ऑक्सीजनित होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार का जो भोजन निर्माण होता है वो ऑक्सीजनित होता है। ठीक, तो यही आपका लिखा हुआ है। केवल अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो आप ये आराम से इसको याद रख पाएंगे। ठीक, तो आपको बता दें कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें जो साइनोफाइसिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल होता है तो ये जो पौधों में, बड़े पौधों में क्लोरोफिल होता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन ये कुछ बड़े पौधों से कुछ डिफरेंट होता है। ठीक, तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है उसमें साइनोफाइसिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोफिल ए कहते हैं, जिसकी सहायता से ये भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये रिएक्शन आप याद रखिए, ये आपको याद रहेगा कि साइनोबैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम आपको बताएंगे साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, अर्थात साइनोबैक्टीरिया में लाभदायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं और हानिकारक क्रियाएं कौन सी होती हैं। ये मोस्टली बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या होता है। ठीक, तो आज ये छोटा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बाकी फिर कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।